प्यारे बच्चों को अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सुफराज अली, जाविया स्कूल सिस्टम से कंप्यूटर क्लास 9 लेक्चर नंबर 31 में आज हम इस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल। बेसिकली नेटवर्किंग से रिलेटेड है कि जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, जो मैसेजेज एक दूसरे को भेजते हैं, बेसिकली उनको किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है और उस दौरान कौन कौन सा काम जो है वो सर अंजाम पाया जाता है। तो बेसिकली ऑल कम्युनिकेशन प्रोसेस इज कैरीड ऑन इन डिफरेंट लेयर वेयर ईच लेयर परफॉर्म्स वन और मोर स्पेसिफिक टास्क। तो देखा जाए तो पूरा का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है या प्रोसेस जो है वो एक मुख्तलिफ लेयर्स की मदद से जो है वो क्या होता है, कंप्लीट होता है। और इन लेयर्स का काम होता है मुख्तलिफ प्रोसेस मुख्तलिफ स्पेसिफिक टास्क क्या करना परफॉर्म करना। इंटरनेट, अब बात करें अगर हम इंटरनेट की, तो इंटरनेट जो है वो भी क्या करता है, लेयर कम्युनिकेशन सिस्टम इस्तेमाल करता है। लेयर कम्युनिकेशन सिस्टम के अंदर हम देखें तो उसे हम क्या नाम देते हैं, दो प्रोटोकॉल इस्तेमाल होते हैं, वो होता है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और उसके साथ दूसरा इस्तेमाल होता है IP जिसे हम कहते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर नेट के साथ डिवाइस कनेक्टेड है तो हर डिवाइस का एक IP एड्रेस होता है जो सेंडर और रिसीवर के दरमियान रबते के लिए जो है वो ज़्यादा अहम होता है। यानी आपको जब डेटा किसी को भेजना है तो जो नेटवर्क के ऊपर जो इंटरनेट कनेक्शन के साथ आप इसको डेटा भेज रहे हैं उसका IP एड्रेस आप कंप्यूटर के बात क्या करेंगे ऐड करेंगे। ये हमें नहीं पता होता, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मोबाइल से किसी दूसरे को मैसेज कर रहा हूँ तो उस डिवाइस का जो उस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है ऑटोमेटिकली IP एड्रेस जो है वो क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। तो TCP का मतलब है ट्रांसपोर्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल और IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। TCP/IP बेसिकली एक सूट है किसका, प्रोटोकॉल्स का। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, प्रोटोकॉल्स बेसिकली वो रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिनके मुताबिक इस कम्युनिकेशन में क्या होना है, कंप्लीट होना है। तो ये प्रोटोकॉल्स प्रोवाइड करते हैं एंड टू एंड कनेक्टिविटी। एंड टू एंड कनेक्टिविटी क्या, सेंडर और रिसीवर के दरमियान, सर्वर और क्लाइंट के दरमियान कम्युनिकेशन हो रही होती है उसे हम कहते हैं एंड टू एंड कम्युनिकेशन कनेक्टिविटी। इट कंसिस्ट ऑफ 5 लेयर्स, इसके अंदर बेसिकली 5 लेयर्स इस्तेमाल होती हैं, वो इन लेयर्स की मदद से जो है वो सारा का सारा काम सर अंजाम देते हैं। सबसे पहले है एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इनके बहुत सारे काम हैं, उनमें से चंद एक जो इस बुक के अंदर पढ़ाए गए हैं उनको देखते हैं कि इसके अंदर क्या कहना चाह रहा है। वैसे इनके अंदर जो है वो ब्रिक्स की शक्ल में डेटा बनता होता है, फिर ब्रिक्स से पैकेट बनते हैं, पैकेट से मैसेज के अंदर उसे कन्वर्ट किया जाता है, इनकोडिंग डीकोडिंग की जाती है, सेंडर की तरफ जो है वो सेंड जब करता है तो इनकोड होता है मैसेज, जब सेंडर रिसीवर के पास पहुँचते हैं तो उसे इनकोड किया जाता है। बेसिकली हर लेयर के मुख्तलिफ फंक्शन हैं। यहाँ पर जो फंक्शन हम देखने जा रहे हैं वो चंद एक हैं ताकि आसानी से समझ आ सके इसके अंदर कहाँ क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है। एप्लीकेशन लेयर चेक करती है नेटवर्क को कि नेटवर्क जो है वो बेसिकली वायरलेस है या वायर्ड नेटवर्क है। सेंडर मैसेज तो करते हुए उसे ध्यान नहीं है, बोदरिंग नहीं करता, उसको चेक नहीं करता कि मैं कौन सा नेटवर्क इस्तेमाल कर रहा हूँ, वायर्ड कर रहा हूँ या वायरलेस इस्तेमाल कर रहा हूँ। और उसके बाद ये एप्लीकेशन ये एड्रेस को भी चेक करती है कि सेंडर और रिसीवर का एड्रेस क्या है। ट्रांसपोर्ट लेयर का काम है एस्टेब्लिश करना लिंक को, किसके दरमियान, नेटवर्क लिंक को एस्टेब्लिश करना क्लाइंट और सर्वर के दरमियान। यानी अगर मैं कोई भी चीज़ सर्च करता हूँ नेट से तो मेरा मोबाइल जो है वो क्लाइंट है और नेट से जो चीज़ मैं डाउनलोड कर रहा हूँ या जो निकाल रहा हूँ या जो चीज़ सर्च कर रहा हूँ वो सर्वर है। तो इन दोनों के दरमियान जो लिंक बनेगा उसे कौन बनाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर। नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर प्रोग्राम रनिंग ऑन द नेटवर्क लेयर मूव द डेटा टू द अदर नेटवर्क। यानी मेरा नेटवर्क कुछ और है, दूसरा रिसीवर जो है उसका नेटवर्क कुछ और है, तो डेटा एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क की तरफ जब जाएगा तो नेटवर्क लेयर उसे क्या करेगी, सपोर्ट देगी। डेटा लिंक लेयर के अंदर देखा जाता है कि इट सेंड द मैसेज टू द सर्वर कनेक्टेड विद द सेंडर। यानी कि मैसेज जो सेंड कर रहे हैं सर्वर को वो बेसिकली कनेक्ट होना चाहिए सेंडर के साथ,
भेजूंगा किसी दूसरे शख्स के पास, तो वो मैसेज बेसिकली राउटर क्या करेगा अपने पास के लिए रिसीव करेगा, और वहाँ से उसको क्या किया जाएगा, किसके पास भेजा जाएगा, वो नेटवर्क यानी वाईफाई का है, तो वाईफाई उसे क्या करेगा कि नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे हमारे पास PTCL का दफ्तर है, यहाँ पे जो इसके अंदर डिवाइसेस लगी हुई है वो उसको रिसीव करेंगे, और नेक्स्ट जो है वो उसको क्या करेंगे आगे फॉरवर्ड। इसके बाद ये फिजिकल लेयर का नाम क्या है, इट इज़ अबाउट द फिजिकल मीडियम। मीडियम फिजिकल मीडियम से मतलब क्या है कि जो कनेक्शन आप इस्तेमाल कर रहे हैं, केबलिंग कर रहे हैं, ये मैसेज जो है वो आप क्या करेगा राउटर से आप दोबारा किसके पास, जब दूसरे एंड पे पहुंचेगा तो राउटर के पास, और राउटर से इसको आपने अगर क्या किया हुआ है कि जैसे कि आप अपने कंप्यूटर के साथ जो है वो राउटर से डायरेक्ट क्या कर लेते हैं, डिवाइस कनेक्ट कर लेते हैं वायर की मदद से या फिर अपने मोबाइल को वाईफाई की मदद से, तो ये फिजिकल कम्युनिकेशन को चेक करते हैं कि कहाँ पर कौन सी डिवाइस जो है वो क्या इस्तेमाल की जा रही है। तो मैं उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा, कोई भी ऐसी चीज़ जो इस टॉपिक से रिलेटेड आपको समझ ना आई हो आप स्कूल के ऑफिशियल नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।